नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग के पिछले वीडियो में हमने पैकेज 13 का प्रोग्रेस देखा था, जो है सोनारी गांव से इगतपुरी तक। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे पैकेज 14 का प्रोग्रेस, जो है इगतपुरी से वशाला गांव तक। ये पैकेज पूरी तरह से बनकर तैयार है। इस पैकेज में ही है महाराष्ट्र का सबसे लंबा टनल। ये सब देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमें काफी मदद मिलती है। नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग ये महाराष्ट्र का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो नागपुर और मुंबई को आपस में जोड़ता है। अब तक इस एक्सप्रेसवे का 582 किलोमीटर लंबा सेक्शन, जो है नागपुर से नासिक डिस्ट्रिक्ट के भारवीर तक, ट्रैफिक के लिए ओपन हुआ है। और अभी जो पैकेजेस जो ओपन होना बाकी है, वो है पैकेज 13, 14, 15 और 16। पिछले वीडियो में हमने पैकेज 13 का अपडेट देखा था, अब इस वीडियो में हम देखेंगे पैकेज 14 का अपडेट। ये और इसके आगे वाला हिस्सा इस एक्सप्रेसवे का सबसे सुंदर हिस्सा होने वाला है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे गुजरता है सह्याद्री माउंटेन रेंजेस से। इस पैकेज की लंबाई है 13.1 किलोमीटर। इस पैकेज की शुरुआत होती है इगतपुरी के पिंपरी सदरुद्दीन से, और ये पैकेज एंड होता है ठाणे डिस्ट्रिक्ट के वशाला बुद्रुक के पास। इस पैकेज में है टनल्स और लंबे वायाडक्ट्स। इस पैकेज का निर्माण किया है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने, जो ऐसे ही चैलेंजिंग टास्क करने के लिए जानी जाती है। पैकेज 14 की शुरुआत में ही आता है 910 मीटर लंबा एक वायाडक्ट। फिर ये वायाडक्ट के समाप्त होते ही आता है इगतपुरी इंटरचेंज। इगतपुरी इंटरचेंज के बाद आता है 8.2 किलोमीटर लंबा ट्विन टनल, जो महाराष्ट्र में अब तक बना सबसे लंबा टनल है। क्या है इस टनल की विशेषताएं, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे ही। टनल समाप्त होते ही हम पहुंच जाते हैं ठाणे डिस्ट्रिक्ट में। टनल के एंड होते ही आता है एक लंबा वायाडक्ट, और फिर पैकेज 14 समाप्त होता है। इस पैकेज 14 का हाईलाइट है ये 8.2 किलोमीटर लंबा टनल, जो महाराष्ट्र का अब तक बना हुआ सबसे लंबा टनल है। सिक्योरिटी कारणों की वजह से हम इस टनल के अंदर शूट नहीं कर सकते। इस टनल में कई अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण लगे हैं, जैसे वेंटिलेशन सिस्टम, इमरजेंसी फोन यूनिट, हर 300 मीटर पर फायर रेजिस्टेंट डोर्स इन क्रॉस पैसेजेस, सीसीटीवी सर्वेलेंस, फायर हाइड्रेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स और टनल मॉनिटरिंग स्काडा सिस्टम। इस इलाके में बारिश बहुत ज्यादा होती है, और ये इलाका भी माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। ऐसे जगह पर कंस्ट्रक्शन करना ये काफी चुनौतियों से भरा रहा होगा। अब इस पूरे पैकेज का अपडेट देखते हैं। पैकेज 14 के शुरुआत में ही आता है ये 910 मीटर लंबा वायाडक्ट। वायाडक्ट के समाप्त होते ही आता है इगतपुरी इंटरचेंज। इस इंटरचेंज से आप नेशनल हाईवे 160 यानी मुंबई नाशिक हाईवे जा सकते हैं। इस इंटरचेंज के बाद आता है महाराष्ट्र का सबसे लंबा सुरंग। ये सुरंग की टोटल लंबाई है 8.2 किलोमीटर और चौड़ाई है 18 मीटर। इस टनल के इगतपुरी साइड अप्रोच को करीब 200 मीटर तक ट्रांसल्यूसेंट पॉलीकार्बोनेट शीट से कवर कर दिया गया है, और ये देश में किसी टनल निर्माण में पहली बार किया गया है। आपको बता दें, ये टनल का काम समय से 3 महीने पहले ही पूरा कर दिया गया है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये भाग आता है सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में, और जहाँ से यह पैकेज शुरू हुआ है यानी पिंपरी सदरुद्दीन, और जहाँ यह पैकेज खत्म होता है यानी वशाला बुद्रुक, इन दोनों के बीच इस टनल को अंग्रेजी अक्षर S के आकार में बनाया गया है। यह टनल
समाप्त होते ही आता है 70 डिग्री का एक ढलान। इसीलिए इस टनल के समाप्त होते ही एक वायाडक्ट का निर्माण किया गया है। यह वायाडक्ट 1.1 किलोमीटर लंबा है और जमीन से 60 मीटर ऊपर बना है। इतने कठिन और टफ टेरेन पर इस पैकेज 14 का निर्माण किया गया है। इस वायाडक्ट के खत्म होते ही पैकेज 14 समाप्त हो जाता है। पैकेज 14 पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन उसके आगे पीछे यानी पैकेज 13 और 15 में अभी बहुत काम बाकी है। इस पैकेज 14 के कंस्ट्रक्शन और रोड क्वालिटी बहुत ही उच्च दर्जे की रखी गई है। अगले वीडियो में हम देखेंगे पैकेज 15 का प्रोग्रेस। वीडियो के बारे में अपनी राय कॉमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आगे देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।